हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे वेरी गुड सर, मॉर्निंग। यस, गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मार्केट को धक्का किसने दिया है बताएं? गुड मॉर्निंग सर, वेरी मार्केट गिरा दी सर आपने। वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट को तो धक्का दे दिया आपने, नीचे क्या बात है? देखो मार्केट चला है, जरा चेक करते हैं, मार्केट को एक बार चेक कर लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है, फिर आगे चलेंगे। देखो एक पॉइंट है छोटा सा, और वो पॉइंट क्या है कि मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है, पॉइंट को चेक करें, मैं ट्रेंड लाइन को बना रहा हूं। मार्केट की ट्रेंड लाइन एक चल रही थी ये वाली, राइट। उसके बाद यहां से आपका मार्केट की ट्रेंड लाइन शुरू हो गई ये वाली, ये ट्रेंड लाइन। अब आपके मार्केट की ट्रेंड लाइन जो शुरू हो चुकी है ये वाली है, जो कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल बता रही है कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल अभी एक्सपेक्टेड है। और मार्केट ने अपना पहला लो ब्रेक कर दिया था, इसको मैं एक बार लगा लेता हूँ, पेन भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट का एक लो जो बना था हमारा करंट लो, वो कौन सा बना था जो कि ब्रेक हो गया था, वो था आपके पास ये वाला, ठीक है। ये लो एक ब्रेक हो चुका था पहले ही। अब मार्केट के अंदर एक ये लो, नीचे वाला जो लो है, जो बजट डे पर निकला था मार्केट ऊपर, वो मार्केट जो है वहां तक धीरे धीरे, अक्सर ये होता है, देखिए अक्सर ये होता है, जो बजट डे वाला होता है ना, बजट डे अक्सर तब जो रैली निकलती है उसके आसपास की, एक दो दिन बाद की या एक दो दिन पहले की, वो पूरी रैली ना एग्जॉस्ट होती है। पीछे का कभी चेक करना आप लोग, ये आपको कभी एक्सपीरियंस किया आपने पीछे बजट डे पर? बजट डे पर जो रैली जाती है वो पूरी एग्जॉस्ट होती हुई नीचे आती है। मार्केट वैसे भी डाउन पे है, तो मार्केट का यहां तक एक फॉल हो सकता है। तो अगर मैं पूरी फिबोनैकी, हम लोग फिबोनैकी पे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, या बोले बहुत बुरी तरह काम कर रहे हैं, तो फिबोनैकी को मैं आपको ये समझाते जा रहा हूं, आप प्लीज उसको एक बार रिवाइज करते जाना साथ में। अगर मैं इस समय फिबोनैकी लगा रहा हूं, चेक करिए, मैंने फिबोनैकी यहां से लगा सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं लगा रहा हूं इस वाले डे से। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं इस वाले डे से, कोई बता सकता है? क्योंकि ये बजट डे है, बजट डे के जो लो या हाई बनेंगे उनको मार्क नहीं करना, क्योंकि वो इश्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे का आसपास का कोई भी जो लो है वो पकड़ के तब आप अपना फिबोनैकी लगाएंगे। तो देखिए मैं फिबोनैकी लगाना शुरू करता हूं। फिबोनैकी सबसे अच्छा टूल है, टूल इंडिकेटर नहीं, फिबोनैकी इंडिकेटर नहीं है, टूल है। तो इसलिए ध्यान रखना, फिबोनैकी एक टूल है और बहुत अच्छा टूल है, अगर इससे सर काम करना आ इसको जाएगा तो हमारे लिए फायदा होगा। ये हाँ, देखिए, हम अलग से बोलो, मैं उनको बात करता ये देखिए आपका मार्केट कहां पर है। यस, फिबोनैकी के कौन से लेवल पर बैठा है मार्केट बताएं। 61। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कौन से लेवल पर मार्केट बैठा है बताएं, मार्केट कौन से लेवल पे बैठा है। 61 लेवल, देखो 61 पूरा। आप यहां से चेक करो, मार्केट दो काम कर सकता है, या तो मार्केट इसके नीचे जाएगा, देखो मार्केट गिर रहा है इस समय, लेकिन मार्केट को संभलने का मौका 61 पर ही मिलता है। तो मार्केट अगर यहां से ग्रीन कर गया तो मार्केट का एक यहां तक का या इससे ऊपर तक का अप मेरे को मिल सकता है। अब मैं दो फिबोनैकी यहां पर इंट्रा डे के लिए लगा रहा हूं, वन डे में मैंने फिबोनैकी लगाई तो मार्केट अपने 61% पे है, मार्केट यहां से उठ भी सकता है, गिर भी सकता है, हम यहां पर वेट करेंगे मार्केट क्या करता है। अब मैं एक फिबोनैकी और लगा रहा हूं, ध्यान से चेक करें, मैं एक फिबोनैकी अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके लगा रहा हूं, ध्यान से पॉइंट को चेक करते रहना मैं क्या कर रहा हूं, काम आएगा आपके। ये देखो मैंने फिबोनैकी लगाई हुई है, ये डे में थी फिबोनैकी, डे के मार्केट 61% पे बैठा हुआ है। और दूसरा, मार्केट ने एक काम और किया है, मार्केट ने जो लास्ट छोटी सी रैली ली थी उसको एग्जॉस्ट करके पूरा, और अब नीचे आया हुआ है। तो मार्केट वैसे लॉजिकली सेल में, लेकिन चूंकि 61% है तो मार्केट यहां से रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है 50% तक ऐसे जाके गिरे, तो मार्केट लेकिन यहां से एक अपना पॉजिटिव टेस्ट बना सकता है। तो अब यह मैं यहां से एक छोटा सा फिबोनैकी और लगा रहा हूं, कि और उस फिबोनैकी को चेक करना मैं कैसे लगा रहा हूं, रेड कलर से लगाता हूं यहां पर, ऊपर से नीचे। ये किसने लगाई है मैंने, कोई बताए प्लीज, ये वाली फिबोनैकी हेलो किसने लगा रहा हूं मैं, हेलो, कोई बोलो। भी बता। अभी लगेगी नहीं, हालांकि मार्केट डाउन में है, पर मैं यहां तक की फिबोनैकी लगा रहा हूं, इसको मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं जब तक ये रिट्रेस ना करे। रिप्लेसमेंट है सर। अगर हाँ जी, क्योंकि ये देखो मेरे को पता लगेगा मार्केट कहां पर बाय लेगा,
अगर मार्केट यहां से उठता है पूरा, ये लेवल है। अब एक बात और ध्यान रखना इसी पॉइंट पर ही कि देखो 61% पर जब तक 1 आवर की कैंडल ग्रीन ना हो जाए तब तक आप बाय मत लेना, भूल आता हूँ, चल बोल। क्लियर है? इसको चेक कर लें, ये आपका 1 आवर की कैंडल है, जब तक ये पूरा ग्रीन ना हो जाए मतलब इसके ऊपर ना चला जाए तब तक आपका कोई बाय बनता नहीं है। लॉजिकली बाय 50 के ऊपर बनता है, 50 के ऊपर, लेकिन कोई एग्रेसिव बाय छोटा मोटा बाय भी लेंगे तो मेरा इसके ऊपर बनेगा, उससे पहले बाय मत लेना, नहीं तो मार्केट नुकसान कर सकता है। ठीक है, अब इसको रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, जरा रेजिस्टेंस बना ले। रेजिस्टेंस इसको जो मिलने वाला है मार्केट को, तो वो मिलने वाला है यहां पर, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। तो अगर यहां से बाय आई भी तो आप छोटी मोटी बाय लेके निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिर सकता है। अब हम थोड़ा पास में चलते हैं। देखो मेरे को दो चीजें मेरे को पता लगी है और इनको चेक कर ले। मैं आपको दोबारा से एक चीज बताता हूं, दोबारा से देखो, मैं सारी फिबोनाची हटा रहा हूं, मैं सारी फिबोनाची दोबारा से लगा के दिखा रहा हूं। अब की बार मैं आपको ज्यादा फिबोनाची लगा के दिखा रहा हूं। पॉइंट को चेक करना, यहां से 3 फिबोनाची लगती है, 3 फिबोनाची लगती है, जरा पॉइंट को चेक कर ले कौन कौन सी फिबोनाची है। एक फिबोनाची लगती है, एक फिबोनाची लगती है यहां से, देखो इस पॉइंट से और यहां तक, राइट और रॉन्ग, सही है नहीं होता है, क्यों शादी? एक फिबोनाची लगती है यहां से यहां तक, राइट। दूसरी जो फिबोनाची लगती है वो लगती है यहां से और यहां तक, राइट। पहली फिबोनाची यहां से यहां तक, दूसरी फिबोनाची यहां से यहां तक, अब तीसरी फिबोनाची, अब समझिए, तीसरी फिबोनाची यहां से और यहां तक, और चौथी फिबोनाची यहां से और यहां तक, और पांचवी फिबोनाची अभी लगेगी नहीं क्योंकि मार्केट अभी डाउन में चल रहा है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो ये 5 फिबोनाची के साथ में आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको पांचों के साथ में काम करके दिखाता हूं कि मार्केट में पांचों फिबोनाची के साथ में काम करें। एक बार चेक कर ले, सब प्लीज चेक कर ले, सबके पास स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? साउंड पहले आ रहा है सर, स्क्रीन का बाद में हो रही है, नहीं आपका थोड़ा कनेक्शन स्लो होगा, थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि साउंड पहले आ रहा है और स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन बहुत देर के बाद आ रही है सर, मतलब जो अभी आप कर रहे हैं स्क्रीन नहीं, हमको तो ठीक से ही आ रहा है, इट्स कमिंग ओके फॉर अस। नहीं एक बार दोबारा से अपना नेटवर्क में लॉग इन करके देख ले प्लीज, ऐसा होता है कभी कभी नेटवर्क में इश्यू होता है। वॉइस पहले आ रही है सर, वॉइस पहले आ रही है, स्क्रीन बाद में आ रही सर, कोई इशू नहीं है। एक काम कर ले, मैं दूसरा नेट लगा देता हूँ, शायद दूसरे में सही आ जाए, एक मिनट दीजिए फिर मेरे को, गिव मी अ सेकंड। चलिए देखिए, एक मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने देखो अब आपका, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे छोटा सा, प्लीज मेरे को आंसर करना उसका, आपको आपको छोटा छोटा पैसा कमाना है या बड़ा पैसा कमाना है, बताए, ये बताए, पूरी लाइफ में मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी प्रैक्टिस सेशन है, 4-5-6 महीने प्रैक्टिस सेशन रहेगा, उसके बाद का मैं बता रहा हूं, या साल भर लगा दीजिए, 1 साल के बाद आपको क्या काम है, आप 200-300 रुपए कमाने वाले हैं या फिर 20-30 हजार कमाने के सोचते हैं, बताएं क्या सोचते हैं, मतलब सोच क्या है, प्लीज बताइए, क्यों राजा सोच क्या है सर, सोच तो बड़ी होगी ना, कमाए नहीं कमाए वो अलग बात है, लेकिन सोच तो बड़ी होगी ना, राइट है। अब अगर मेरे पास बड़ी सोच है तो मेरा एनालिसिस भी बड़ा होना चाहिए या नहीं, बताए, राइट ना, मेरा एनालिसिस बड़ा होना चाहिए। अब जरा हम बड़े एनालिसिस पे चलते हैं और बड़ा एनालिसिस कैसे करना है जरा उसको देखते हैं। आप चार्ट को करिए छोटा, चार्ट को करिए ऐसे छोटा, यहां पर देखें फिबोनाची कहां, यहां पर देखें आपका रिट्रेसमेंट कहां पर आया, नीचे देखें बड़ा रिट्रेसमेंट कहां पर आया, ये मेरे को सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट है ना अभी तक का, देखें आखिरी जो रिट्रेसमेंट बड़ा है वो ये डाउन है, मार्केट इस पॉइंट से उठा है ऊपर, तो मैं यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक फिबोनाची लगा रहा हूं,
पॉइंट को नोट करते जाना और मैं इसमें मार्किंग करूंगा, क्योंकि सारी फिबोनाची एक साथ लगाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक फिबोनाची लगाता रहूंगा और मार्किंग करता रहूंगा। ये मार्किंग आप भी अपने लिए कर सकते हैं आराम से, राइट। देखो मैंने यहाँ पर 50% ले रहा हूँ, सारी फिबोनाची नहीं ले रहा हूं, ये मैंने उठाया मार्केट को, ठीक है, ये मैंने यहां से उठाया फिबोनाची को और मैं ऊपर ले गया। चेक करते रहिए मैं क्या कर रहा हूं, काम आएगा आपके। ये मैंने ऊपर तक ले गया हूं पूरा। मार्केट का 50% कहां पर आता है बताएं? 50% मार्केट का ये है ना, ये दोनों 50 और 61%। मैंने इन्हें मार्क कर लिया, देखो मैं इसे रेड कलर से मार्क कर देता हूं। मार्क करके रखिए, ये ध्यान रखना कि क्या है जो मैंने मार्क किए है, ठीक है। ये मेरा 50% है और ये मेरा 61% है, ये दो मार्किंग मैंने कर दी है। अब मैंने इसको हटा दिया, ये देखिए ये फिबोनाची मैंने हटा दी, मेरा काम इसका खत्म हो गया। अब मैंने दूसरी फिबोनाची लगा रहा हूं, पॉइंट नोट करते जाना प्लीज, काम आएंगे आपके। अब मैं यहां से फिबोनाची एक और लगा रहा हूं, केवल फिबोनाची पे काम कर रहा हूं, कुछ और नहीं यूज कर रहा हूं, राइट। ये देखिए मार्केट में फिर से मैंने यहां पर फिबोनाची लगाई, इसका 50% कहां पर आ रहा है देखिए, प्लीज बताएं, देखते रहे और बताते रहे मेरे को, क्या मार्केट 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है, यस और नो? इसका टारगेट क्या है, क्या 60% है या नहीं है, 61%? हाँ, या ना, यस, राइट। चलिए अब इसको भी मार्क करें, चलो इसको मैं करता हूं ब्लू कलर से मार्क, इसको भी ब्लू कलर से मार्किंग कर दी, जिससे मुझे मेरे टारगेट्स पता रहे। ये मैंने ब्लू कलर से मार्किंग करी, ये 50% है और ये 61% है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का आज का टारगेट ये हो सकता है। अगर कल मार्केट इसके नीचे खुला तो मार्केट बड़ी रैली के 61% पे आएगा, मतलब मार्केट अगर कल इसके नीचे आपको खुला मिल गया, थर्सडे भी है, अगर मार्केट इसके नीचे खुला मिला तो मार्केट एक बड़ा डाउन ले सकता है। यहां पर वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट को, मार्केट इस पोजीशन में क्या रिएक्शन करता है, तब तक आप नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट उसके नीचे ना आ जाए, राइट। आप चलते हैं आगे, मार्केट का पूरा सिनेरियो एक बार ये भी चेक कर लीजिए। मार्केट ये डाउन में आया था, मार्केट ऊपर गया, ये लाइन आपकी थी, ये वाली लाइन चेक करें, मार्केट यहीं पर घूमता रहा, ये मार्केट था, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, ऊपर रिजेक्शन लेने कहां पर गया, एग्जैक्टली यहीं पर रिजेक्शन लेने गया, बजट डे वाले भी यहीं पर रिजेक्शन मिला इसे, और ये रिजेक्शन लेने के बाद अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, देखते हैं मार्केट करता क्या, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं एक जगह और लगा रहा हूं, देखिए अब मैं, अभी चूंकि बाय का सीन है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा बाय लगाते हैं कि मेरा बाय कहां तक होगा, पॉइंट समझना। मैं अब यहां पर ये फिबोनाची भी हटा दे रहा हूं, इसका भी मेरा कोई काम नहीं है, फिबोनाची लगाई, मार्किंग करी और हटा दिया ये। अब मैं लगा रहा हूं डाउन की फिबोनाची, डाउन में दो फिबोनाची लगेंगी, उसको चेक करना। पहली फिबोनाची ऊपर से और नीचे तक ये रही है, और दूसरी फिबोनाची यहां से और यहां तक, राइट। अभी क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो मैं एक फिबोनाची फिर यहां से भी लगाता, फिबोनाची पर ही काम होगा पूरा, आप इसको चेक कर ले, बहुत आराम से आप इसमें काम कर सकते हैं। अब कैसे कैसे काम करना है उसको आप नोट करते जाए। ये मैंने दोबारा मार्किंग करी, ये मैं किस लिए कर रहा था, पॉइंट को समझना जरा, ये नीचे वाला मैंने क्यों किया, ये चेक करने के लिए कि मार्केट का 50% या 61% कहां पर है, क्योंकि मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है बहुत बड़ा, पूरी रैली है, बड़ी रैली थी, तो मार्केट हो सकता है यहां पर सपोर्ट ले ले, राइट। दूसरा मैंने यहां पर ये जो चेक किया, इसको भी ये चेक करने के लिए किया कि मार्केट क्या करेगा, 50 या 61% पे आके सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसके नीचे गिरा तो मार्केट का एक रूट बड़ा या नीचे हो सकता है, ऐसे हम सोच रहे हैं, राइट। अब मैं दूसरी फिबोनाची, ये तो मेरी मार्केट में एक चेक करने के लिए था कि लेवल क्या हो सकता है। अब मैं यहां पर बाय के लेवल निकाल रहा हूं, अब मेरा कहां पर से बाय होगा, पॉइंट को चेक करना। अब मैं ऊपर से फिबोनाची लगा रहा हूं, एक नीचे पूरी, नीचे फिबोनाची कहां पर है, ये रही है। आप बताए मार्केट का बाय कहां पर होता है रूल के मुताबिक, पूरी रैली के, पूरी रैली के, मैं इसको ग्रीन से डालता हूं, राइट, 50%, समझिए कंसेप्ट चेक करते रहना, ये आपका 50% है और ये 61% है, राइट, इसके ऊपर ही बाय है, इसको भी हटा दिया, पॉइंट को चेक करते रहना, इसको भी हटा दिया मैंने। अब मैंने लगाया है एक और फिबोनाची, और वो कहां पर लगाई है, यहां से, यहां नीचे से उठा के और कहां तक, चेक करें,
इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। यहां से उठाया आपने और यहां पर आप बताएं जरा मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है इस समय, क्या 61% के नीचे ट्रेड कर रहा है? यस और नो? अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मेरे को ये वाली फिबोनाची लगे रहने चाहिए या ये बता देनी चाहिए? बताएं, इसको लगे रहने दे सकते हैं ना? हाँ ये ना, ये मेरे काम की है, ये तो भी काम कर रही है तो मेरे काम की है। अब मैं एक घंटे में चला, आप चेक कीजिए, अब मैं एक घंटे में चला तो मेरे को सारे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे वाले, देखिए पूरे लेवल दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल किसके लिए है, राइट? ये चेक कीजिए, ये मेरे बाय के लेवल था ऊपर, इससे ऊपर ही मार्केट बहुत अच्छी बाय देगा। अब चूंकि आप पॉइंट नोट करना, आपका मार्केट इस जगह से ये जो रैली है पूरी इसके 61% पे बैठा हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट बनता है कि नहीं बनता है? मार्केट सेल में ही है मगर एक रिट्रेसमेंट बनता है ना यहां से, बताएं 61% से? हाँ या ना? भले ही ना करे, मार्केट गिर जाए कुछ भी हो, लेकिन एक रिट्रेसमेंट यहां से बनता है। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट अगर नीचे चलेगा तो आपको ज्यादा फायदा देगा। लेकिन सर अभी कैंडल तो नीचे बनी हुई है सर 1 आवर। हाँ नहीं, मैंने देखो मैंने क्या बोला, मैंने संजय जी ये बोला बननी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मैंने नहीं बोला होगा ही होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं समझ गया, वैसा नहीं, मतलब अभी इस सिचुएशन में सर अभी सेल उठा के रखी है, क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, अगर सेल उठा के रखी है तो अभी आप बने रहे, अब कब तक बने रहे इसको चेक करें। मार्केट एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, राइट? क्लोजिंग देगा। आप मार्केट की ये जो बॉडी दिख रही है, बॉडी ये दिख रही है, बॉडी यहां तक रह सकते हैं या मिड पोर्शन तक रह सकते हैं? ये मिड पोर्शन है, मिड पोर्शन के नीचे नीचे मार्केट अगर नीचे ही रहता है, आप इसको हटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपका प्रॉफिट हैंडसम है, ठीक प्रॉफिट है, तो उस केस में इसके ऊपर आप निकल जाए और दोबारा मार्केट जब यहां से नीचे आएगा दोबारा एंट्री कर लेना नीचे के लिए, राइट? अभी आप चेक करें, अभी मार्केट वेट करते हैं, मार्केट करेगा क्या? यहां पर मैं एक प्राइस एक्शन चेक करूंगा और प्राइस एक्शन चेक करने के लिए कहां पर जाऊंगा? 5 मिनट में चेक करना, मैं प्राइस एक्शन 5 मिनट में चेक करूंगा यहां पर क्या करता है प्राइस एक्शन। मैं यहां पर गया 5 मिनट में, चेक करिए मैं क्या देख रहा हूं, आपके काम का है। इस समय प्राइस एक्शन क्या बन रहा है जरा बताएं? यस 1 2 3 4 5, ये अपना रिजेक्शन ले चुका ना यहां से या नहीं, बताए? हाँ यार, यस यस, रिजेक्शन ले चुका है और हमने गैप डाउन ओपन हुआ, पहला पॉइंट पॉइंट राइट, पॉइंट को चेक करें, ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हम अगर सोचेंगे तो हमारे पास काम आएंगे। मार्केट डाउन में है अभी, आपको अभी आपका एसएल कहां पर होना चाहिए प्लीज बताएं, आपका एसएल कहां पर होना चाहिए? इसके ऊपर ना, राइट ना? जिसका भी सेल किया हुआ है, पुट अगर बाय किया हुआ है तो आपका एसएल यहां पर होना चाहिए। हाँ या ना बताएं? रखने को आप यहां पर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास मनी का इश्यू नहीं है, मनी मैनेजमेंट ओके है, तो आपको यहां के बजाय एसएल रखना चाहिए इसके ऊपर, राइट? अगर आप देखते हैं कि नहीं मेरा प्रॉफिट है, मेरे को प्रॉफिट नहीं जाने देना, तो आपका एसएल होना चाहिए यहां पर। उसका रीजन क्या है कि मार्केट यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस बना के नीचे आ सकता है एक बार और, राइट? अब ये बताइए क्या बाय का प्राइस एक्शन बन गया, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं बनाना भी, बाय के प्राइस एक्शन के लिए क्या होना चाहिए प्लीज बताए? चलो जी रमीन जी, अमित जी, अब आपका प्राइस एक्शन ढूंढते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ये देखो आखिरी वाला स्विंग ये बना है ना, आखिरी स्विंग ये है, तो कम से कम मार्केट इसको तो ब्रेक करना चाहिए ना। हाँ ये ना, कम से कम इसको तो ब्रेक करें, उसके बाद आगे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, लेकिन कम से कम इसको तो ब्रेक करना ही चाहिए। इसका मतलब अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। दो चीजें मेरे को वेट करनी है, नंबर एक आप लो को मार्क करते हैं, पॉइंट को ध्यान से चेक करना प्लीज, आपको बाद में समझ आएंगे पॉइंट्स, लेकिन आपके काम के रहेंगे। मैं इसको कलर एक मिनट चेंज कर लेता हूं, नहीं तो इश्यू होगा।
ये देखो ये मैंने लो को मार्क कर दिया, देखो मैं ऊपर मार्किंग अभी नहीं कर रहा हूं, मैं लो को मार्क कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को देखना है लो ब्रेक तो नहीं हो रहा है। अगर लो ब्रेक करे बगैर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर गया तो एक बाय निकाल देगा मार्केट, और दूसरा 61% है, मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, हाँ या ना बताए, रिस्क नहीं ले सकते ना, समझ रहे, भले ही मार्केट यहां पर है 61 के आसपास एकदम से रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मार्केट पूरा टर्न होकर वापस चला जाता है 61% पर, क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वर्क करती है, और इस जगह पर लोग अपनी पोजिशन निकालते भी है और एड भी करते हैं, तो 61% पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके हल्का फुल्का नीचे जाके मार्केट वापस रिटर्न कर सकता है, तो मैं वेट करूंगा अभी जरा, मैं मार्केट का एक क्लियर कट जो ट्रेड है उसको या मूवमेंट बनने की कोशिश जो मार्केट कर रहा है उसको वेट करूंगा, मार्केट करता क्या, राइट, आराम से 2-4 मिनट वेट करे और देखे मार्केट करेगा क्या। मार्केट अगर अब की बार इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो एक बड़ी कैंडल मार्केट नीचे डाल सकता है, ठीक है, अब देखते हैं मार्केट करेगा क्या। और मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर चला गया और यहां जाके रुक गया अभी मार्केट, और एक दो कैंडल भी यहां रोक दी उसने, तो फिर मैं यहां से कम और यहां तक का एक स्विंग का छोटा सा बाय मेरे को मिल जाएगा, कम से कम, हो सकता है यहां तक भी चला जाए मार्केट गैप अप कवर करने के लिए, ठीक है, गैप कवर करने के लिए जा सकता है मार्केट, पर मैं वेट करूंगा यहां पर। यहां पर एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना, कॉफी बनाए कॉफी पिए आराम से, एग्रेसिव ट्रेड मत ले। देखिए अभी कंटिन्यूशन कौन सा है, डाउन का है या अप का है, डाउन का ही चल रहा है ना सर। निफ्टी के 3008 में फिबोनाची बताना सर, छोटी रैली की, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही सर। ये देखो ये आपका डेली चार्ट है निफ्टी आपका कहां से कहां, हाँ निफ्टी है, अच्छा निफ्टी बैंक लगा है, निफ्टी लगा दीजिए ना, निफ्टी एक मिनट, निफ्टी बैंक ही लगा रखा मैंने, एक मिनट मैं निफ्टी ले लेता हूँ। ठीक है निफ्टी का अगर मैं यहां से निफ्टी में लगाता हूँ डेली पे, आप देखिए डेली में क्या मिल रहा है, यहाँ पर लगा लें इसको जी सर, ये निफ्टी में ये वीक नीचे वाली कौन सी वीक से लगानी सर, ये एक बड़ी वाली वीक भी है, बजट वाली मत लेना, बजट वाली मत लेना, मैंने आपको मना किया, कभी भी जो जो एक इवेंट होता है ना, इवेंट वाली डेट वाली कभी मत लेना, क्योंकि वो एबनॉर्मल कैंडल होती है, ध्यान रखना वो एबनॉर्मल कैंडल होती है, उसको कभी यूज मत करना, वो आपको नुकसान ही करेगी, कभी फायदा नहीं करेगी, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि बजट डे वाली कैंडल जो एबनॉर्मल कैंडल हो वो फायदा करती हो, ठीक है, और खासकर ऐसी कैंडल जो दोजी टाइप बनी होती है इसको अवॉइड कर दे, इसको अवॉइड करके मेरा कौन सा बना, ये बनाना, ये बताए। अगर हाँ बजट डे ना होता, बजट डे ना होता वैसे ही कोई आपका ये स्विंग मारा होता मैं ले लेता इसको, पर बजट डे वाले दिन एबनॉर्मल मूव होता है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, तो मेरा बाय हुआ सॉरी एक लो बना ये वाला, ठीक है। तो अब मेरी स्विंग कहां से लगेगा, यहां से मैं फिबोनाची लगाऊंगा और यहां तक लगाऊंगा, राइट। मार्केट कौन से लेवल पर है, 61 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यही तो हो रहा है, देखें हाई है ना। अब इसको आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पहला इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई मैं 5 मिनट में जाता ही नहीं हूं, जाता ही नहीं, उसका रीजन क्या है, जरा दोनों की साइकोलॉजी समझना, जब तक मार्केट 1 घंटे में ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई बाय वैसे भी नहीं हो सकता ना 5 मिनट में, हाई है ना, बताए नहीं सर। अगर मैं 5 मिनट में ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेता हूं और 1 घंटे में सेलिंग ही है तो मार्केट आपको पता है ना ऊपर जाएगा नहीं, कहीं से भी गिर जाएगा, तो आपका 5 मिनट में भले ही बाय आ रही है लेकिन एक अच्छी बाय कब बनेगी, जब 1 घंटे की ग्रीन कैंडल बन जाएगी कम से कम, और अगर 61 के ऊपर बनती है तो ज्यादा अच्छा है, तो मेरे को 5 मिनट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से वेट करें देखें, और यहां पर वेट करें 1 घंटे में, देखो मार्केट जो भी करेगा यहां पर रिएक्शन। अभी देखो मास्टर कैंडल अभी कौन सी है बताएं, फिलहाल मास्टर कैंडल ये है ना, ये मास्टर कैंडल है, अभी इसको मेरे को रिएक्शन देखना, इस वाली कैंडल पे रिएक्शन क्या है और क्या होगा अगर ये ग्रीन हो गई, ये बताएं अगर क्या होगा अगर हो ही गई ग्रीन, यस प्लीज, तो बाय ले, क्या देखने को मिलेगा, पक्का बाय है, आ जाएगी वो तो बाय, गैप फिलिंग हो सकती है, राइट,
कुछ भी ज्यादा भी हो सकती है, मार्केट यहां से ले भी सकता है, एक अच्छा रिएक्शन मार्केट दे सकता है। एक मिनट, हाँ जी देखें ये मार्केट यहां से क्या कर रहा है, देखें मार्केट अपने लेवल से उठ रहा है, निफ्टी बैंक भी देखता हूं तो निफ्टी बैंक भी क्या अपने लेवल से उठ रहा है, देखते हैं इसको भी। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखिए मार्केट अपने लेवल से उठने की कोशिश कर रहा है, और कौन सा लेवल है इसका 61% पॉइंट समझना, कौन सा लेवल ले रहा है मार्केट 61%। एक मार्केट बड़ा मूव ले सकता है, जगह आपके पास कौन सी है, जगह ये बाय की है, देखिए क्या कर रहा है मार्केट। यस, क्या यहां से गिर रहा है भी मार्केट बताए, जबकि गिरना चाहिए मार्केट को, लेकिन 61% है। यहां पर मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी, मार्केट को मैं वेट करने दूंगा, मार्केट मेरे या तो लेवल पर आ जाए या गिरना शुरू। लेवल पर आता है तो भी ठीक, गिरना शुरू होता है तो भी ठीक, मैं उसके हिसाब से अपने जो बाय सेल है उनको शुरू करूंगा। ये देखिए मार्केट वापस जाने की तैयारी कर रहा है, मार्केट बाय की तैयारी कर रहा है, मार्केट सेल की तैयारी नहीं कर रहा है, जबकि मार्केट को तो सेल की तैयारी करनी चाहिए थी। राइट या रॉन्ग? यस, क्या बोलते हैं देखें जरा सर, ये एक्सपायरी का कुछ इंपैक्ट है क्या मार्केट पे? एक्सपायरी का भी आएगा, लेकिन एक्सपायरी का उतना नहीं आएगा। मार्केट का एक देखो लेवल है, एक बाय का लेवल है मार्केट के पास में, उस बाय के लेवल को मार्केट क्यों छोड़ेगा बताए सर? इसमें आरएसआई के हिसाब से भी देखे तो आरएसआई भी एकदम अपने बॉटम लो, बॉटम लो पे टच कर दिया है, वो उसकी वजह से भी देखते हैं। देखो मैं तो कोई भी इंडिकेटर ही नहीं लगा रहा हूं, आपको बताएं मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, आपको कुछ भी नहीं है। अब यहां से मार्केट में अगर ऊपर चलकर एक घंटे की कैंडल है, अगर मार्केट ने 61% को अचीव कर लिया तो क्या होगा मेरे को ये बताएं। यस, कैंडल सर ऊपर क्लोज, अगर अचीव कर लिया तो क्या होगा, एक बाय आ जाएगा। देखते हैं मार्केट में क्या होगा, हो सकता है नीचे गिर जाए मार्केट, लेकिन हम वेट करेंगे। राइट, वेट करेंगे कि मार्केट यहां पर करता क्या है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला, वेट करेंगे। देखो मैंने बोला ये लेवल जो है ना बहुत क्रूशियल लेवल है मार्केट में, मार्केट इसके ऊपर जाके रुकना चाहिए ना, यस और नो बताएं, रुकना चाहिए या नहीं, वेट करें। चाहे तो दोनों को लगा के एक साथ ऐसे टाइम पर अगर आप दोनों को लगाएंगे ज्यादा अच्छा होगा, दोनों मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लगा लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इस कैंडल को, ये कैंडल एक क्रूशियल कैंडल होती है यहां पर। आप देखो मार्केट ऊपर तक भी गया, ओपन तक भी गया, ओपन से भी वापस आ रहा है, लेकिन मार्केट यहां पर कर क्या रहा है, इस चीज को जरूर चेक करना मार्केट कर क्या रहा है यहां पर। अगर अभी भी ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया इसने, ओपन मतलब अभी वाले एक घंटे की कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर मार्केट 61 के ऊपर, अगर ऐसे भी बोले कि मार्केट 61 के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या होगा? यस, एक बाय मिल सकती है। वेट करें, ऐसी जगह पर कभी भी एकदम से ट्रेड मत उठाएं बाय का या सेल का, उस जगह पर आके कोशिश करें कि मार्केट 61 के ऊपर रुक जाए। देखें यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लगा लें, एक को नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लगा के तब वर्क करें। मैं यहां पर अगर दिखाऊं आपको दोनों यहां पर लगाएं, देखो ये मैंने लगाया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगा लिया, दोनों को चेक करें यहां पर मार्केट कर क्या रहा है। इन सबको हटा देता हूं मैं, इनका कोई काम नहीं है यहां पर, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है यहां पर, और यहां पर से चेक करें मार्केट कर क्या रहा है। ये 61 लेवल लगा हुआ है और इसका भी 61 लेवल लगा हुआ है, दोनों में मार्केट क्या कर रहा है बताएं, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखें प्लीज क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है प्लीज बता दें। हाँ जी, 61 पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर केवल मेरे को वेट करना है, वेट एंड वॉच, जबरदस्ती नहीं,
दोनों को देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपके लिए बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के, और इस टाइम पर मेरे को कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, समझिए। बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दिया तो पूरा एकदम से नीचे गिर जाएगा मार्केट, याद रखिएगा। ऐसी जगह पर सबसे पहले मार्केट तेजी से नीचे गिरता है, वेट करें जरा सा, मार्केट करेगा क्या। देखो ये बायर अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, अगर आप बायर सेलर को देखेंगे तो अपनी पोजीशन बायर सेलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यस दिख रहा है। दोनों में से देखो स्ट्रांग कौन है, इस समय निफ्टी स्ट्रांग है ना, देखो बैंक निफ्टी वीक है, चेक करें, बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी स्ट्रांग है। अब आपको देखना है कि दोनों में से कौन इसको लेके जाता है ऊपर, वेट करें, ये कैंडल को आराम से चलने दें, एकदम से सेलिंग बाइंग मत डालें। यहां पर कोई और लेवल होता ना, अगर कोई 23 का लेवल होता, 38 का लेवल होता, मुझे इशू नहीं था, लेकिन मार्केट में लेवल है 61 का, 61 के लेवल को हम एकदम से नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एक क्रूशियल लेवल है मार्केट के अंदर। अगर एक सेलिंग आई तो शार्प सेलिंग आ जाएगी, और अगर एक बाइंग आई तो भी शार्प बाइंग आएगी यहां पर, तो हम यहां पर रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, राइट है, यहां पर रिस्क नहीं ले सकते हम बिल्कुल भी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि यहां पर आप रुके रहे, थोड़ा सा रुक जाए और वेट करें। ये देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी कहां जा पर जा रहा है और बैंक निफ्टी कहां पर जा रहा है, बताएं क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज बताएं। ऑपोजिट है सर, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। अब दोनों में से एक तो सही पोजीशन पे आके बैठेगा ना, हाँ या ना, यस, या तो निफ्टी बैठेगा या बैंक निफ्टी बैठेगा, दोनों तो कम से कम एक पोजीशन पे आके बैठेंगे ना, ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से गिरेगा। अब देखते हैं मार्केट करता क्या है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से गिर जाए, ऊपर की तरफ ना उठे, वेट करें थोड़ा सा, वेट करें, मार्केट करेगा क्या, एकदम से नहीं, एकदम से वर्कआउट नहीं करना है कुछ भी हमें। यहां पर देखें ये मार्केट इस जगह पर अगर बैठ गया ऊपर, थोड़ा सा वेट करना बुराई नहीं होती वेट करने में, और खासकर जब मार्केट 61 लेवल पर हो। यहां पर देख रहे हो बैंक निफ्टी तो गिर रहा है आराम से नीचे, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है बताएं, निफ्टी ट्राई कर रहा है ना, आप चाहो आपको लगता है यहां पर पिवोट का यूज कर सकते हो, ऐसी जगह पर देखो पिवोट का यूज करो, क्या आपको यहां पर पिवोट दिखाई दे रहे हैं, कौन सा मार्केट पिवोट पर सपोर्ट ले रहा है बताएं, यस कोई मार्केट ले रहा है पिवोट पर सपोर्ट, दोनों में से निफ्टी या बैंक निफ्टी में से, हाँ या ना सर, निफ्टी से बताइए कि पिवोट से नीचे खुला अभी सेंटर, वो तो नीचे ही है, अभी नीचे ही है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या, वेट करना है, वेट करना है। अगर ये कैंडल नीचे ही कहीं क्लोज करती है, नीचे क्लोज करती है तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये बैक मार के यहां क्लोज कर दिया तो मेरे लिए खराब है, फिर सेलिंग के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मार्केट को चेक करो, मार्केट ये अभी नीचे चल रहा है, देखो ये आपका वीक है और ये आपका स्ट्रांग है, दोनों को चेक करो, एक वीक है एक स्ट्रांग है, अभी मार्केट में हमारी बाइंग नहीं आई है। हाँ जी सर, इन्वेस्टिंग के अंदर में 17,746 दिखा रहा है फ्यूचर, तो क्या डिफरेंस है सर, फ्यूचर तो आगे भी चलता है ना, फ्यूचर तो 17,746 ऊपर चल रहा होगा फ्यूचर, हाँ 17,746 पर डाउन है पर 17,746 दिखा रहा है, दोनों में डिफरेंस रहता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं रहता, 100-150 का डिफरेंस नहीं होगा, 20-50 का डिफरेंस होता है बस, अभी देखा 17,746। अगर कौन सा वाला फ्यूचर बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये अपना निफ्टी का निफ्टी 50 का भी, निफ्टी 50 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा वहां पर, देखो आप सर अभी देखता हूँ, मैं इसे हट नहीं सकता अभी, सॉरी है ना, क्योंकि जब तक चार्ट चल रहे हैं, चार्ट से ये एक ट्रेडर की खासियत कभी नहीं होती कि वो सारे अपने को मूव करा दे दूसरी जगह पर, राइट, चाहिए प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके ट्रेड चल रहा है तो उस समय आपका सब चीजें किनारे है, इस समय देखिए क्रूशियल लेवल है ना, अगर हम यहां से हटके दूसरी जगह चले गए ट्रेडिंग व्यू में कहीं चले गए तो यहां पर कुछ भी घट सकता है ना, यह सब
मैं वहां पर उलझा रहूंगा किसी काम में और मार्केट यहां पर चेंज कर देगा अपने आप को, तो मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर चल भी रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, हम उसमें ना ट्रेडिंग व्यू वालों को बोल सकते ना कुछ कर सकते। तो बहस ये है कि दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके पास ये लेवल्स है, इस समय यहां पर रिएक्शन क्या है ये देखना मेरा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए चेक कर ले, यहां पर मेरे ख्याल से सारा सही चल रहा होगा। अगर मैं यहां पर एक मिनट इधर दूसरी स्क्रीन पे देख लेता हूं, मैं शायद ने मार्च का देखा है सर, फरवरी का तो अभी फिलहाल वही दिखा रहे, हो सकता है आगे का देखा हो आपने, क्योंकि नहीं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे फ्यूचर देखा, तो आप बोल रहे नहीं निफ्टी देखा, निफ्टी देखना अलग चीज है, ये इंडाइसेस है। और अगर मैं फ्यूचर देखता हूं तो फ्यूचर आपका जो सपोज फरवरी का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर या अप्रैल का फ्यूचर, इन तीनों में डिफरेंस होगा। जो फरवरी का फ्यूचर होगा वो निफ्टी के आसपास चल रहा होगा, मार्च का फ्यूचर कम से कम 100 का डिफरेंस होगा, और आपका अप्रैल के फ्यूचर में कम से कम 200 का डिफरेंस मिलेगा। तो हो सकता है ये मार्च का फ्यूचर आपने देखा हो, ये सही बोल रहे हैं, शायद वहां पर फ्यूचर देखा हुआ हो आपने, ठीक है। मार्च का अगर निफ्टी देखा, हाँ ये हो सकता है, देखो ये अगर ये हो रहा है कि निफ्टी का फ्यूचर, सॉरी निफ्टी आपका दो जगह अलग अलग चल रहा है, मतलब निफ्टी यहां पर चल रहा है 17,700 सपोज, राइट, और अगर ट्रेडिंग व्यू में चल रहा है 17,800 तो गलत है, फ्यूचर में डिफरेंस हो सकता है। हाँ जी सर, मैं ये बोला तो उस समय नेट में भी सर बंद हो गई थी, तो अब अपने चार सिगो ने की जो लगाई सर निफ्टी में डे फ्रेम और नंबर, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, मैं उस समय था नहीं, सुन अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट दीजिए मेरे को, 5 मिनट ये लेवल में यहाँ पर चेक कर दूं, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट है, कोई इशू नहीं है, पहले मैं ये देख लूं यहाँ पर मार्केट में इस जगह पर क्या हो रहा है, उसके बाद हम वापस चलते हैं, मैं बता दूंगा उसको, है ना। या अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, राइट, नहीं हुई ना, अभी देखिए ऊपर क्लोज कोई सी भी नहीं हुई, 61 लेवल आपका धीरे धीरे क्रॉस हो रहा है, कहां की तरफ, नीचे की तरफ ना, यस 61 लेवल धीरे धीरे नीचे क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये कैंडल क्लोज हो जाने दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट यहां पर इस कैंडल में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी थोड़ा सा बुलिश है, हल्का सा बुलिश है, बैंक निफ्टी आपका बियरिश है, अच्छा खासा बियरिश है बैंक निफ्टी, तो अभी बैंक निफ्टी को जाने देते हैं नीचे और देखते हैं मार्केट करता क्या है, ठीक है, आराम से बैठे और देखते रहे मार्केट करता क्या है। मार्केट हमेशा अपनी चाल चलेगा और वो आपको इशू कर सकता है बाय या सेल के लिए, तो जब तक बाय या सेल का कोई अच्छा सिग्नल ना मिल जाए तब तक आप उसकी बाय या सेल ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी देखिए हमें कोई सिग्नल यहां पर मिला नहीं है, अगर मैं चलो यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो देखिए मूविंग एवरेज मेरे को क्या बोल रहे हैं, आप लोगों ने मूविंग एवरेज भी देखे, मैं ये देखिए बाय में है मूविंग एवरेज या सेल में है, बताएं, केवल मूविंग एवरेज की बात करें तो दोनों के दोनों, यस बताए, बाय में दिखा रहा है सेल में, चलिए देखें, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अभी कहां तक आ सकता है, जरा इसको चेक करें, मार्केट का ये लेवल है ना, यही लेवल है, ये देखिए 40,200 चल रहा है और मार्केट नीचे 40,100 तक तो आ ही सकता है, अच्छा एक चीज और होती है, एक चीज और देखिए मैंने कि मार्केट चाहे कहीं पर भी, मतलब एक्सपायरी भी होगी ना तब भी मार्केट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता जाएगा, तब भी मार्केट आराम से अपना प्रॉफिट निकाल देता है, ठीक है। मतलब कई लोग क्या होते हैं कि एक्सपायरी है तो वो स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करना, आप उसे आराम से बाय करके रखें, ठीक है, मतलब कल एक्सपायरी है आज अगर 20 भी चल रहा है उसका प्रीमियम तो ये भी बढ़ेगा, राइट। अच्छा मेरे को एक बार बताएं, मार्केट अगर गिर रहा है तो कौन सा प्रीमियम नहीं गिरेगा बताए, बहुत दूर का होगा वो नहीं गिरेगा ना, बहुत दूर का, आसपास के सारे प्रीमियम बढ़ेंगे या गिरेंगे, इनमें सब में हलचल होगी, ठीक है। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि अगर 2 दिन रह गए मतलब एक्सपायरी में, सपोज आज कितनी 22 होगी, कल एक्सपायरी होनी है, तो क्यों हम आज ये फरवरी वाला ट्रेड करें, आप आराम से कर सकते, फरवरी वाला ट्रेड करने में कोई इशू नहीं है, वो जाएगा ऊपर या आपको बाय सेल देके जाएगा, लोग उसमें भी प्रॉफिट निकालते हैं। आप देखो अभी कहीं से भी तीनों का आप अगर चेक करते हो, चारों का मूविंग एवरेज अगर चेक करो
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ये सारे के सारे जो मूविंग एवरेज आपके चल रहे हैं, इसमें आप देखो मार्केट सेलिंग में ही है ना, कहीं बाय में नहीं है। मैं इस वाले को भी यहां से चेंज करता हूं, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखता हूं मार्केट, देखो पूरे अपने फ्लो में है और सेलिंग के फ्लो में है, कहीं से भी बाइंग का फ्लो अभी नहीं आया। तो मार्केट में एक आपके पास एक सेलिंग अभी एक्सपेक्टेड है, चलने दीजिए, देखते हैं मार्केट क्या करता है। 61 लेवल से मार्केट धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो आप चाहो तो अगर मार्केट एक और स्विंग ले ले, एक और स्विंग कहां पर लेगा, इस पॉइंट को ध्यान देना, ये स्विंग है मार्केट का यहां तक का, तो मार्केट यहां तक जाके एक बार दोबारा डाउन दे सकता है। हाँ जी सर, क्या निफ्टी एक घंटे में मल्टीपल सपोर्ट पे आ रहा है? देख लेते हैं निफ्टी, ये निफ्टी है, एक घंटे में देखते हैं। देखो ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ध्यान रखना ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, समझ रहे? तो अगर जब तक मार्केट कैंडल को क्लोज ना कर दे तब तक उसके बारे में बोलना असल में सही नहीं है। देखो ये कैंडल अक्सर कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक बड़ा मूव लेने के लिए एक कैंडल को सही तरीके से क्लोज करता है ऊपर की तरफ यहां पर। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं मल्टीपल सपोर्ट है कि नहीं है, देखो क्या आप ही लोग बताओ क्या यहां पर आपको मल्टीपल सपोर्ट कहां दिख रहा है? मैं वनडे भी दिखाता हूं, ये देखिए, क्या वनडे मल्टीपल सपोर्ट पर है, यस और नो, प्लीज देख के बताएं। यस वो सपोर्ट तो क्लोज कर दिया ऊपर, सपोर्ट तो तोड़ दिया, ये रहा, ये था सपोर्ट तो जिसके नीचे आज मार्केट खुला था। अगर मैं एक घंटे पे देखता हूं यहां पर तो चेक कीजिए, मार्केट तो अपना सपोर्ट क्रॉस करके नीचे आ रखा है। एक सपोर्ट इसका ये था जो ब्रेक हो चुका, एक सपोर्ट ये है, ये हेल्दी सपोर्ट नहीं है जिसको मार्केट ले रहा है, ये हेल्दी सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मार्केट का 61 लेवल है, गलती से भी मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया तो यहां पर एक मूव पकड़ सकता है यहां तक का, उसे मना नहीं कर सकते, राइट। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, शायद आ रही हो तो एक मिनट में देख लेता हूं, शायद मेरे को मिल रही हो तो ये देखो, अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन भी डालूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन कहां पर आती है, मेरी ट्रेंड लाइन यहां पर आती है, राइट। अगर मैं इसको एक घंटे टाइम फ्रेम में भी बोलता हूं तो मार्केट का जो लेवल है वो ये निकल के आता है, ये वाला एक बड़ा डाउन मार्केट के पास ये मिल सकता है मार्केट में, अगर मार्केट यहां सस्टेन करता है तो। लेकिन मेरे को लगता है कि मार्केट को इस जगह पर एक बार रुकना चाहिए, ये वाला लेवल 61 का लेवल। अच्छा एक चीज और, एक बात और ध्यान रखना कि मार्केट में अगर कोई बाय करोगे 1% 61 के ऊपर बाय करते हैं तो कम से कम आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाने देना मार्केट को। जैसे इस समय मार्केट क्या कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है नीचे, तो यहां पर बाय करने का गलती से भी कोई सेंस नहीं है, राइट है। आप चाहो तो यहां पर पिवोट का यूज कर सकते हो, देखो मैं आपको पिवोट का यूज यहां पर करके भी दिखा देता हूं। ये पिवोट है और मैं यहां पर इसके डार्क कर लेता हूं, इसको आराम से चेक करते रहे मार्केट करेगा क्या। मार्केट आपको पैसा देता है लेकिन सोच समझ के देगा, एकदम से नहीं देगा। ये देखिए इसको भी नीचे का लेवल हटा देते हैं, अभी इसका मेरे को कोई काम नहीं है। और ये मार्केट का 61 लेवल है, ऊपर का लेवल भी मैं हटा रहा हूं ये, और मार्केट यहां तक इसके ऊपर जाएगा तो ही मेरे को बाय देगा, उससे पहले कोई बाय नहीं है। पिवोट भी यहां पर लगा लेते हैं, पिवोट मेरे को क्या कर रहे हैं वो आपको काम में आएंगे, कई लोगों ने पिवोट कर रहे हैं मेरे साथ अभी, तो पिवोट का यूज आप यहां पर कर सकते हैं, पिवोट आपको अच्छे वर्क दे देगा यहां पर, वेट करें। कभी कभी मार्केट में वेट करना बहुत अच्छा होता है, यस, हर समय नहीं घुसना है मार्केट में। ये देखिए कौन, अच्छा कौन सपोर्ट पर है, चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, कौन सपोर्ट पर है बताएं किस समय? निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है या निफ्टी सपोर्ट पर है? बैंक निफ्टी देखें सपोर्ट पे, पिवोट पे कौन बैठा है? बैंक निफ्टी। ये देखिए ये अभी पिवोट पर नहीं है, चलिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर मैं इसको 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में कौन सपोर्ट पर है बताए, यस कोई कौन सपोर्ट पे है जल्दी से देख के बताए? बैंक निफ्टी, समझे? एक पॉइंट मैं आपको पिवोट के बेस पर अब बात करता हूं, ठीक है। यहां पर बैंक निफ्टी आपके सपोर्ट पर बैठा है और निफ्टी आपका बगैर सपोर्ट पर बैठा है, क्या मतलब हुआ? अगर बैंक निफ्टी यहां से वापस चला तो क्या होगा देखते हैं, हमें केवल एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं खाली। अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर चला तो क्या करेगा बताए? निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा, राइट। चलिए यहां से हम एक मार्किंग दोबारा शुरू करते हैं, मार्किंग करते हैं दोबारा से,
और इस जगह पर मैं नीचे पिवोट की मार्किंग कर लेता हूं और चलते हैं देखते हैं कि मार्केट 5 मिनट में यहां पर क्या कर रहा है। ये सपोर्ट पर है नहीं कोई भी अभी, तो अब दोनों को मैं 5 मिनट पे लगा लेता हूं। आप देखते हैं कि प्राइस सेक्शन क्या बना रहा है, ध्यान से चेक करना क्या प्राइस सेक्शन यहां पर बना रहा है। मार्केट सबसे पहले यहां पर क्या करेगा बताएं, अपने पिवोट के ऊपर आने की कोशिश करेगा ना, करेगा। देखते हैं मार्केट में क्या कर रहा है, मार्केट को बस ऑब्जर्व करना है और जहां पर अच्छा ट्रेड मिले वहां पर अच्छा ट्रेड लेना, एकदम से नहीं घुसना कि कहीं पर भी घुस गए, आप केवल लेने की कोशिश करें ट्रेड को। देखें एक सही पोजीशन पर मार्केट क्या कर रहा है, देखें अपने उस पिवोट से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है, देख रहे ये जो नीचे रेड लाइन बनी हुई है ये आपका सपोर्ट है एक घंटे का। अब हमें देखना है कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको सारी चीजें एक साथ आप धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। जब आपको ट्रेड लेना है तब ट्रेड लें, अदरवाइज मार्केट को ऑब्जर्व करें, मार्केट करता क्या है, ऑब्जर्वेशन से अच्छे ट्रेड मिलते हैं। ये देखें मार्केट चल रहा है धीरे धीरे नीचे। अब इस समय वी कौन सा है बताए, इस समय वी कौन सा है, बैंक निफ्टी, यस आप बताए कौन वीक है, बैंक निफ्टी। देखो निफ्टी तो आराम से बैठा है, बैंक निफ्टी वीक है, आराम से नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी। इसका मतलब आपके पास ये है कि जब आप वर्क करते हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि मार्केट को सही तरीके से हम जज करें और सही पोजीशन में अपने ट्रेड को उठाएं। अभी देखिए इस समय क्या ट्रेड लेना सही है, हाँ या ना बताए, क्या ट्रेड लेना सही है इस समय, बाय करना सही है सेल करना सही है बताए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से हो सकता है आप सेलिंग कर ले, सेलिंग छोटी मोटी कर भी सकते हैं आराम से, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइट करके रखें, वो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात मार्केट का ये पॉइंट नोट करना, एक और पॉइंट यहीं पर ही है कि देखो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना ये पिवोट है यहाँ का, एक घंटे का पिवोट है और एक घंटे के पिवोट पर अगर जो कैंडल होती है अगर वो उसको क्रॉस कर रही तो इसके वापस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस कैंडल को ना जब भी किसी लेवल को क्रॉस कर रही है तो इसे आराम से कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, और कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, नीचे ना, लेवल के नीचे, अगर लेवल के नीचे क्लोज होगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा, उससे आप एक सेलिंग पोजीशन अपनी बना पाएंगे, चलने दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तसल्ली से मार्केट को सपोर्ट पर आ जाने दे, तसल्ली से सपोर्ट पर आ जाने दे और उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट पर आ जाए तब अपना रिएक्शन दे। यहां पर देखें इस समय अगर मैं देखता हूं तो मार्केट सेलिंग में है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी भी, जरूरत नहीं है कुछ करने की। क्या मार्केट बाय में आ गया, क्या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ रखा है मार्केट, नहीं है तो मेरा बाय भी नहीं बनता अभी, आराम से बैठने का टाइम है, बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करें, देखें कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को यहां पर, राइट है। चलिए और किसी स्टॉक को देखते हैं, अगर मैं कोई स्टॉक देखता हूं तो यहां पर कौन कौन से स्टॉक ऊपर नीचे जा रहे हैं, चलिए उनको भी चेक कर लेते हैं। यहां देखते ये देखिए अभी कौन सा नीचे गिर रहा है, चलिए अडानी नीचे गिर रहा है, अडानी पोर्ट नीचे गिर रहा है, ये तो गिरने ही थे वैसे, ठीक है। ग्रैसिम भी आ रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी आ रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, चलिए ग्रैसिम को देख लेते हैं, ग्रैसिम क्या कर रहा है। ये लेवल असल में बहुत क्रूशियल लेवल है ना, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये लेवल बहुत अच्छा है, मार्केट अगर यहां से उठ गया तो आपको बड़ा अच्छा लेवल वापस दे देगा। वेट करते वेट करते, मेरे को अभी भी ये है कि मार्केट ज्यादा नीचे ना जाके यहाँ पर रुक जाएगा एक बार, देखते हैं मार्केट क्या करेगा, ठीक है। कौन सा था हमारा, ग्रैसिम, ग्रैसिम, ग्रैसिम में चलते हैं, देखते हैं ग्रैसिम क्या कर रहा है। ये देखिए ग्रैसिम को भी वैसे ही लगाते हैं जैसे हम लगा रहे थे। अगर मैं डे में देखता हूं तो देखिए मार्केट की फिबोनाची कौन सी लगेगी, जरा बताएं, यस प्लीज बताएं मार्केट की फिबोनाची कौन सी लगेगी, यस नीचे से कहां से लगाई जाए मार्केट की फिबोनाची, यहां से लास्ट से ऊपर हटो तक। आप देखते हैं आपका मार्केट, मैंने छोटा करके देखा चार्ट को तो मेरे को पता लगा यहां से और ये है ना हाई, राइट, ये देखो ये छोटा सा कम है और ये ज्यादा है तो मैं यहां लगा लेता हूं, ठीक है। तो यहां मैंने लगाया,
अब चूंकि मार्केट में फिबोनैकी के फिबोनैकी देखो इसके अंदर ही काम कर रही है इस समय, तो मैं इस फिबोनैकी को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर फिबोनैकी लगा दी, फिबोनैकी पकड़ी और मैंने यहां से फिबोनैकी को लगा दिया। कहां लगाया, यहां से पकड़ा और यहां तक लगा दिया। मार्केट कौन से लेवल पर बैठा है बताए? यस 50% पे आने की तैयारी में, देखें और पास में चलते हैं, चलिए और पास में चलते हैं। अगर मैं इसकी छोटी फिबोनैकी लगा दूं, छोटी फिबोनैकी का मतलब यहां से, ठीक है इसको रेड कर लेता हूं मैं, ये छोटी फिबोनैकी लगा दी मैंने, यहां से पकड़ा मार्केट को और यहां तक पकड़ लिया। मार्केट कौन से लेवल पर बैठा है? 61 पर। अब मैं यहां से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करूंगा इसका रिएक्शन क्या है, जरा रिएक्शन देखते हैं। आपको पता लगा एक बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने डाली है, राइट है, बहुत बड़ी कैंडल डाली है मार्केट ने और 61% से एक यहां तक का रिट्रेसमेंट इसका बनता है, यहां तक का रिट्रेसमेंट बन सकता है इसका। अगर यहां पर हम चेक करें, हालांकि सेलिंग ही है पर आप चाहो तो यहां पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकते हो। किसके ऊपर छोटी सी बाय लेंगे बताया? यस किसके ऊपर? इसके ऊपर ना, हाँ या ना, छोटी सी बाय मिलेगी, ज्यादा बड़ी बाय की उम्मीद नहीं है, छोटी सी बाय। और कहां तक? इसके ऊपर। अगर मार्केट जाएगा तो वेट करिए, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक कैंडल डालता है, तो कम से कम यहां तक की छोटी बाय आपको देखने को मिल जाएगी, या हो सकता है 50 तक। उसका रीजन क्या है? आप बोलेंगे सर मार्केट सेलिंग में, आप बोल रहे बाय के लिए, गलत है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ी कैंडल डाली, उन्हें पता है 50% तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, तो वो यहां पर ऐसी जगह पर बाय कर लेते हैं। ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये? यस, क्या दिखाई दे रहा है बताए? जल्दी से बताएं क्या दिखाई दे रहा है, क्या मार्केट एक बाय उठा रहा है? हाँ या ना? हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मार्केट की कि मार्केट करेगा क्या। देखो मार्केट अपना एक बाय बनाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं मार्केट अपना एक बाय बनाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक बाय निकल जाए मार्केट की। देखिए ये लेवल है, ये लेवल है। मार्केट यहां पर मल्टीपल रिजेक्शन भी ले सकता है, मतलब रेजिस्टेंस बना सकता है मल्टीपल। मैंने बोला एक कैंडल ऊपर बन जाने थे हल्की सी, यहां पर ऐसे टाइम पर एक कैंडल बन जा रहे थे, ये देखो ये लेवल है। अब ये कैंडल कहां क्लोज होती है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल सही जगह क्लोज होगी तो मेरे को मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है तो मार्केट का यहां तक का लेवल या यहां तक का लेवल मेरे को देखने को मिल सकता है, छोटा लेवल। बाय नहीं है, पहले ही बता दूं इसकी बाय नहीं है, केवल एक छोटी सी बाय आप ले लोगे, बस छोटी सी बाय ले लोगे, लेकिन ये बाय है नहीं, राइट, केवल एक रिट्रेस कर रहा है मार्केट। तो ऐसा मत समझे कि बाय मिलेगी आपको बहुत बड़ी बाय, बड़ी बाय कुछ नहीं होगी, केवल एक रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पर। अब रिट्रेसमेंट पर आप अगर छोटा मोटा बाय लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले लें, लेकिन छोटा मोटा बाय, बड़ा बाय कहां तक का बाय? हाँ फिबोनैकी, बिल्कुल बिल्कुल फिबोनैकी लगा दीजिए आप, यहां से पकड़िए इसका, देखो आप दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर भी फिबोनैकी लगाए, यहां पर इसको ब्लैक कर ले और फिबोनैकी लगाना शुरू करें, यहां से लगाऊंगा और यहां तक फिबोनैकी ना राइट। चलिए इसको मैं सारे लेवल लगा देता हूं, इसको मैं यहां पर सारे लेवल लगा लेता हूं, और अगर मैं यहां से फिबोनैकी लेता हूं तो मेरी फिबोनैकी यहां पर आती है। ये देखें मार्केट 23% पर स्ट्रगल कर रहा है ना, हाँ ये ना 23% पर स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, क्लियर। अगर मार्केट 23% के ऊपर गया तो इसका टारगेट क्या है? 38, राइट है। ये देखिए बस समझना है, बस समझना है, मार्केट को तरीके से काम करेंगे तो हमें मार्केट मिल जाएगा सही जगह पर। ये देखें 23% से मूव कर रहा है इस समय मार्केट, और कहां तक जाएगा मार्केट, जाएगा आपके पास कहां तक? यस 38 तक। सर अभी इसका छोटा बाय उठा सकते हैं ना, छोटा छोटा बाय, लेकिन रिस्क है, ये बता दूं ये रिस्क बड़ा है, ये मैं पहले ही बता दूं रिस्क बड़ा है, छोटा रिस्क नहीं है, रिस्क आपको बड़ा मिलेगा।
हाँ मार्केट ऊपर तक जा सकता है, छोटा मोटा बाय आप उठा सकते हैं। इससे अच्छा आपका बाय मिलेगा आपको निफ्टी में, अगर निफ्टी आपका ऊपर चला गया तो निफ्टी आपको ज्यादा अच्छा बाय दे जाएगा। राइट, निफ्टी आपको ज्यादा अच्छा बाय देगा इसके बजाय। ये देखें, चलिए वापस निफ्टी पे चलते हैं। ग्रैसिंग का छोटा देख, बहुत छोटा बाय मिलेगा यहां तक का, ज्यादा बड़ा बाय नहीं है। अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूँ, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखे जरा, यस क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में जरा बताएं। सर रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है, समझे पॉइंट, समझे यहां पर हुआ क्या, एक घंटे में मार्केट ने क्या किया, पॉइंट समझे यहां पर, ये मार्केट घंटे भर में क्या कर रहा है। हमने बोला था मार्केट यहां पर गड़बड़ कर सकता है और गड़बड़ अभी ट्राई कर रहा है, अभी जरूरी नहीं कि हो जाएगी गड़बड़, लेकिन मार्केट ट्राई कर रहा है। अगर मैं इसको डे की फिबोनैकी फिर से लगा दूं यहां पर, तो फिबोनैकी को फिर से यूज कीजिए, ये देखो फिर से लगाओ फिबोनैकी हमारी हट गई है, मैं दोबारा से फिबोनैकी को यूज कर रहा हूं यहां पर और उसको समझ रहे हैं। मेरे को तो सेल लेनी चाहिए थी मगर मैं सेल लेने के मूड में नहीं हूं, एकदम से सेल लेने के मूड में नहीं है क्योंकि मार्केट रिट्रेस जरूर कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट का 61 लेवल मेरे लिए थोड़ा सा खतरनाक है। राइट, ये मैं गया हूं और अब आप जाए यहां पर एक घंटे में, तो मार्केट ये चेक कीजिए यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखे निफ्टी दोनों को चेक करो, निफ्टी आपके पास क्या कर रहा है, निफ्टी सपोर्ट ढूंढ रहा है इस समय, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यस बैंक निफ्टी बियरिश हो रहा है, देख रहे दोनों का रूट अलग हो गया ना, देखे दोनों का रूट अलग हो गया, एक आपका सपोर्ट ढूंढ रहा है और एक आपका नीचे गिर रहा है, तो दोनों में से अब एक काम तो होगा ना, क्या काम होगा, या तो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, हाँ ना, वेट करिए आराम से, वेट कभी कभी करना अच्छा होता है मार्केट पे, और कौन सी टाइम पर वेट करना है, वेट आपको करना है 61 लेवल पर, समझे आपका वेट है केवल और केवल 61 लेवल पर या ज्यादा से ज्यादा 50 लेवल पर। मार्केट ने एक लेवल अपना कवर कर लिया, देखो आज मार्केट यहां पर खुला, पूरा लेवल कवर किया मार्केट ने, लेवल टू लेवल मार्केट आया है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर रुकेगा तो आपको इश्यू करेगा यहां पर, और ये 61 लेवल है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर ट्रेड लेने से सोच रहा हूं क्योंकि मार्केट 61 लेवल है, और अगर गलती से ये भी बैक कर रहा होता, ये तो अभी कर नहीं रहा है, लेकिन अगर ये भी बैक कर रहा होता तो क्या होता बताए, तब इशू हो जाता ना, ये तो फिर भी नीचे गिर रहा है, तो अच्छी बात है नीचे गिर रहा है, जाने दीजिए, हो सकता है निफ्टी भी नीचे गिर जाए अभी सारा, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, लेकिन अगर ये रुक गया तो, ये भी बताए, ये रुक गया तो क्या होगा प्लीज। अब आपकी कंफर्मेशन कब मिलेगा, जरा कंफर्मेशन समझ लीजिए, कंफर्मेशन कब मिलता है कि मार्केट यहां से एक ऊपर जाने की तैयारी में। आप जरा पॉइंट नोट करना, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाता हूं यहां पर, यहां पर देखो आपका जो ये था मूविंग एवरेज था, बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था तब से, और अब देखो मार्केट कहां पर आ गया, मूविंग एवरेज कहां पर आ गया, 61 पर ना, यस आ रहा है समझ में कुछ, देखें जरा ये भी आपका 5 मिनट में, केवल मूविंग एवरेज की बात बता रहा हूं मैं केवल आपको, यहां पर चेक करें मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर देखो अपने 61 पर आ गया। अब अगर ये मार्केट 61 के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, ये बताए, यस प्लीज क्या होगा, क्या चैलेंज मिलेगी, क्यों क्या बोलते हैं, क्या मानना है बता, अपनी राय बताए सर, क्या होने वाला है फिर, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अब देखो अगर मार्केट को जाना होता, ऐसे समझो, देखो समझने की कोशिश करते हैं, अगर मार्केट को जाना होता तो ये 20 मूविंग एवरेज कहीं दूर बैठा होता ना, यस हाँ ये मैं बताया, ये देखो मार्केट यहां पर था, मार्केट नीचे जाना था, मार्केट में देखो मूविंग एवरेज ऊपर बैठा था, जब मार्केट में बाय होनी होती है तो मूविंग एवरेज पास में आ जाता है, आप देखो ये दोनों में मूविंग एवरेज अब पास में आ गया, मतलब मार्केट कोई बाय यहां से शायद उठा सकता है, हम सेलिंग के मूड में नहीं, मैं सेलिंग के मूड में नहीं हूं यहां पर, मार्केट हो सकता है एक रिट्रेसमेंट करे। अब मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को यहां पर एक छोटा सा पॉइंट चेक करना है और वो है मेरा प्राइस एक्शन, अगर मैं यहां पर प्राइस एक्शन देख रहा हूं तो मेरे को प्राइस एक्शन क्या मिल रहा है बताए, यस प्राइस एक्शन में क्या होना चाहिए जल्दी से बताए, जब बनेगा तब देखेंगे। ये देखो ये डाउन आया मार्केट, ये अप गया, ये डाउन आया कंसोलिडेशन, तो कम से कम इस कंसोलिडेशन के ऊपर तो मार्केट को आ ही जाना चाहिए,
राइट, इसके ऊपर मार्केट को आ जाना चाहिए। और ये मार्केट का क्या है, ये वाला मार्केट का क्या बनाया था कोई बताए हम, ये पिवोट था ना एक घंटे का। अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, वेट करना है, वेट। अभी हमें नहीं पता क्या होगा मार्केट में, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं, मैं केवल एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट क्या कर सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट कर क्या सकता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। राइट, मार्केट अब एक जगह ढूंढ रहा है अपनी, देखो मार्केट अपनी जगह ढूंढ रहा है जो कि मार्केट बेस बनाएगा यहां पर, ये मार्केट अब बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। राइट, लेकिन इसका बेस नहीं है ना, बताए बैंक निफ्टी का बेस है, हाँ या ना, मिल रहा है बैंक निफ्टी का बेस आप लोगों को, नहीं है, बैंक निफ्टी अभी वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, और निफ्टी आपके पास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखे अब निफ्टी, बैंक निफ्टी को इसके ऊपर आना पड़ेगा अपने पिवोट के ऊपर, और ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर, वेट करें आराम से। और क्या होता है ये देखें मार्केट के अंदर, मार्केट अपना रिएक्शन देगा, और वो रिएक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट करता क्या है। मार्केट ने अगर बाय पकड़ा तो बड़ा बाय मार्केट यहां से वापस निकालेगा। देखो हम बाय के, हम सेल के मूड में नहीं है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं सेल के मूड में क्यों नहीं हूं। यस, आया पॉइंट समझ में या नहीं बताए, हाँ या ना, देखें क्या कर रहा है मार्केट जरा बताएं, वेट करें वेट। और ये आपको कैसे पता लगेगा मार्केट यहां क्या बिहेव करने वाला है, यहां पर मार्केट जो है वो अपने मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करेगा। अभी देखो आपका जो निफ्टी है उसमें मूविंग एवरेज बिल्कुल पास आ गया है, जबकि रिजेक्शन भी ले सकता है वहां से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाय ही लेगा, रिजेक्शन भी ले सकता है वहां से, ठीक है। बस केवल हम चेक करने की कोशिश करेंगे यहां पर मार्केट करता क्या है। देखें चल रहा है मार्केट ऊपर, वेट करते रहे, देखें मार्केट क्या करता है। ऐसे टाइम पर मार्केट को वेट करना और देखना कि क्या कर रहा है मार्केट आपके लिए बहुत जरूरी है। वापस भी जा सकता है मार्केट, ऊपर भी, लेकिन मार्केट को अगर बाय में आना है तो इसके ऊपर आना पड़ेगा। मार्केट को ट्राई कर रहा है मार्केट सपोर्ट बनाने की, अगर बना गया तो आपको इसके ऊपर चला जाएगा मार्केट और कुछ प्रॉफिट आपको दे देगा। देखें वेट करना है, ऐसी जगह पर मार्केट ऊपर नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, आपको बस वेट करना है, आराम से वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या, एकदम से कोई अपना रिएक्शन नहीं देना है। अब वेट, आराम से बैठ के वेट करें, वेट करते रहे, देखें मार्केट करेगा क्या। बस आपका मार्केट इसको जो लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, लो जो बना है उसको ब्रेक ना करे। देखो आपका लो कौन सा है, लो आपका बना हुआ है ये ब्रेक करे बगैर अगर इसके ऊपर चला गया तो मार्केट यहां से आपको एक छोटी सी बाय बना के देगा, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, कैसी भी बाय यहां पर हो सकती है। देखें वेट करें, जबकि बैंक निफ्टी देखो नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, लेकिन क्योंकि आपका जो मूविंग एवरेज है वो पास में आ रहा है तो वो आपको एक पॉजिटिव साइन दे सकता है। वेट करें थोड़ा सा तो आपको कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है यहां पर, छोटा सा पॉइंट है ये, क्लास में इसीलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आए कि मार्केट कैसे बाय सेल उठाता है, कैसे उसके अंदर हम बाय उठा सकते हैं, देख सकते हैं, अपना नुकसान फायदा बचा सकते हैं, केवल ये रीजन है। देखिए वेट करना, वेट एंड वॉच सबसे अच्छा है, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट अब अपने लो को ब्रेक ना करे ये मेरे को देखना है। राइट, लो को ब्रेक ना करे। हाँ जी सर, कुड इट बी पॉसिबल इट इज अब्सॉर्बिंग ऑल द सेलर्स जो भी है? यस बिल्कुल बिल्कुल 100%।
बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है मार्केट, ये बिल्कुल करेगा। आप चेक कीजिएगा यहां पर मार्केट करता क्या है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि मार्केट कैसे सारे सेलर्स को खा जाता है, आपको पता भी लगेगा। देखना आप कैसे ऊपर जाएगा मार्केट, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, आप तो सेलिंग में बैठे होंगे। सी आप सेलिंग में बैठे होंगे कि मार्केट तो सेल करेगा और मार्केट अपना बाय उठाएगा, देखना वेट करते हैं, देखते हैं। मैं केवल दिखाना चाह रहा हूं, अगर वो कंडीशन दिखी तो आपको अच्छा लगेगा कि मार्केट में 61% पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट को एक बड़ा क्रूशियल लेवल होता है 61 लेवल का, उसका रीजन क्या है बोलने का। चेक कीजिए ना, 5 मिनट वेट करते हैं, वेट तो वैसे भी करते ही 5 मिनट इसके लिए सही वेट करना है। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा, आपका जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज वो देखो इसके पास में आ रहा है 61 को क्रॉस कर दिया। अब अगर बाय चांस निफ्टी निफ्टी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, अभी नीचे चल रहा है, अभी कोई बाय नहीं है, पहले ही बता दूं अभी कोई बाय नहीं बनी है, अभी मार्केट का वेट करना है इसके ऊपर जाने का। ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, और इस समय जो वीक है वो कौन है, बैंक निफ्टी है। आप समझिए बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज काफी दूर है जबकि निफ्टी का मूविंग एवरेज पास में है, तो निफ्टी का मूविंग एवरेज पहले इसके ऊपर आएगा, बैंक निफ्टी का बाद में आएगा, राइट और रॉन्ग, सही बोल रहा हूं बताए, समझ केवल पॉइंट को समझना है, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट में, पॉइंट को केवल समझना है मेरे को कि मार्केट करेगा क्या। अगर मार्केट सही तरीके से चलेगा तो मार्केट मेरे को पैसा दे जाएगा, और मेरे को केवल समझदारी दिखानी है अपनी, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये देखिए मार्केट बस इसको लो को ब्रेक ना करे और इसके ऊपर आ जाए, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर, देखो पूरे सुबह से मार्केट इसके ऊपर नहीं है, नहीं है ना, देखिए आप अगर ध्यान से देखते हो मार्केट सुबह से इसके ऊपर नहीं है, नीचे चल रहा है, नीचे गिर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को मार्केट इसके ऊपर चाहिए थोड़ी देर में। दोनों के ऊपर आ जाएगा तो मार्केट ठीक से ऊपर चल पाएगा, अगर एक के ऊपर गया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वेट करेंगे मार्केट को, मार्केट करता क्या है, वेट करें आराम से और मार्केट को अपनी पोजिशन बना ले लेते। ये देखो मार्केट अपनी पोजिशन बना रहा है, आप देखो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी निफ्टी ने अपना देखो लो बनाया बनाया सस्टेन करने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी अभी बना रहा है, राइट बना रहा है, इसने बनाया नहीं है बेस अपना, निफ्टी अपना बेस बना रहा है सॉरी निफ्टी अपना बेस बना चुका और बैंक निफ्टी अपना बेस बना रहा है। सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे, ठीक है, सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे जो कि आपको सीखने हैं, धीरे धीरे करते करते आ जाएंगे, टाइम लेंगे मगर थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। चेक करें कौन सपोर्ट पकड़ रहा है ये भी बताएं, यस सपोर्ट कौन पकड़ रहा है जरा बता दें, निफ्टी या बैंक निफ्टी कौन पास में सपोर्ट कर, अगर निफ्टी सपोर्ट पर गया तो बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा ना ये, हाँ ये ना, अगर ये सपोर्ट पकड़ गया तो ये बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा, उस केस में बैंक निफ्टी को भी ये ऊपर खींच के ले जाएगा। चेक करें अभी दोनों में से कोई भी सपोर्ट के ऊपर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग दिखा रहा हूं जो कि एक प्राइस एक्शन बेस है, और इसमें देखो प्राइस एक्शन अभी मैं ठीक से लाया नहीं हूं, अभी मैं केवल मूविंग एवरेज से आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूं, मेंटर वही है जो किसी भी आपको ट्रेड करा सके, राइट किसी से भी, जो इंडिकेटर सामने आ गया ट्रेड करो उससे, कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इससे करना है उससे करना है, जिससे मर्जी ट्रेड करो, मजा तो उसमें है ना, आप बताएं। हम जबकि यहां पर सेलिंग के, देखो सब लोग सेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, यहां पर मेरे को पता है सेलिंग आ सकती है, मैं नहीं मना कर रहा हूं नहीं आ सकती सेलिंग, यहां से आ सकती है, लेकिन ये दोबारा बोल रहा हूं 61% है मार्केट में, यहां पर अगर रुक गया तो मार्केट अपना रिट्रेसमेंट लेगा, समझे मार्केट अपने यहां से रिट्रेसमेंट लेगा। हाँ जी, is it possible it can go up to 731 levels and then come down? Exactly, exactly, exactly. जा सकते हैं आराम से, वेट करें यहां से। अच्छा एक बार बताएं मेरे को छोटा सा, अगर मार्केट ने यहां से रिट्रेस पकड़ लिया, मान लिया मैंने हो गया रिट्रेस, तो क्या होगा बताएं, ये पिवोट है ना, 1 आवर का पिवोट,
अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर आके रुक गया और अपने मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ गया तो मार्केट कम से कम यहां तक का तो बाय ले लेगा ना, भले ही ना दे, लेकिन मार्केट ले सकता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी इज देयर। आप यहां पर चेक करो दोनों आपको क्या दिखा रहे हैं, ये देखो बैंक निफ्टी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है, इसके ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर आ गया तो क्या होगा, प्लीज बताएं। यस, क्या होगा अगर निफ्टी ऊपर आ गया तो, आप ही बताएं प्लीज क्या होगा, आपके सामने है सब कुछ, देखें लाइव ट्रेडिंग दिखा रहा हूं मैं आपको पूरी। मार्केट अब क्या कर रहा है, निफ्टी आपका ट्राई कर रहा है, हो सकता है नीचे गिर जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे गिर सकता है मार्केट, लेकिन अगर उसके ऊपर चला गया तो क्या होगा, कंडीशन बस ये है। पहला पॉइंट हमने नोट किया कि जब तक मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ना जाए तब तक मेरे को ट्रेड नहीं करना है, पहला पॉइंट ये आप याद रखें। मार्केट अपना बेस बना रहे, अगर आप बेस समझ पा रहे हैं तो आप देखिए बैंक निफ्टी का ये डाउन था, ये देख रहे ये वाला डाउन था, सॉरी निफ्टी का, और ये आपका एक बेस है, ये बेस है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया अब की बार तो ये बेस बना लेगा अपना, ये बेस बनाएगा राइट। इसका बेस देखो मार्केट ने बैंक निफ्टी अभी बेस बना रहा है धीरे धीरे, इसका बना नहीं है बेस अभी, और मार्केट कम से कम जो डाउन है कम से कम इसके ऊपर, ये तो सीधा सीधा पिवोट के ऊपर ही आए तो ही ज्यादा सही है, क्योंकि मार्केट की एनवे कोई बहुत अच्छी अभी नहीं बनी है, तो मार्केट अगर नीचे ही आ जाए सॉरी ऊपर ही चला जाए पिवोट के तो ज्यादा अच्छा है, वेट कर रहे हैं देखिए। और आपको किसके बेस पर, केवल मूविंग एवरेज आपको बताएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। अब आपका एक या दो कैंडल के अंदर, एक दो कैंडल के अंदर अगर इसको ऊपर आना है तो निफ्टी जो है वो अपने पीओ ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, वेट करें देखते हैं क्या होगा, हो सकता है नीचे गिर जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं ऊपर ही जाए, नीचे भी गिर सकता है, लेकिन वेट करना है, यहां पर वेट एंड वॉच है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट आपको एक मूव ऊपर की तरफ देगा, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं आप कि अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो जो सेल पोजीशन थी वो कट जाएगी ना, आपको काट देनी चाहिए ना सेल पोजीशन या नहीं। यस सर। राइट भाई, आप सेल पोजीशन काट दो उस केस में, आपकी सेल पोजीशन आपके लिए सही नहीं है, मार्केट आपको धीरे धीरे बाय देता है, तरीके से बाय देता है, आपको तरीके से ले ले, मार्केट तरीके से देता है आप तरीके से बाय ले ले, क्या जाता है देखिए। जबकि कोई इसे यहां पर बाय करने के लिए जस्टिफाई नहीं करेगा कि भाई क्यों बाय करनी है, कोई रीजन ही नहीं है बाय का, पर मैं आपको बाय करके दिखा रहा हूं कि भाई ये बाय है, देखो वेट करें थोड़ा सा मार्केट का। अब देखिए मार्केट करता क्या है, मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट उसके ऊपर चलना चाहिए, देखते हैं मार्केट करता क्या है। वेट कर रहा हूं मैं भी कि मार्केट को अगर एक बाय मिलेगा, देखो निफ्टी अपना सपोर्ट के ऊपर आएगा, मतलब अपने मूविंग एवरेज के ऊपर, और जो बैंक निफ्टी है वो अपने इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल दिख रहा है पहले इसके ऊपर और फिर पीवोट के ऊपर, दो जगह आना चाहिए। अगर यहां से आप देखते हैं तो ये देखो 61 लेवल क्रॉस करके आपका ये धीरे 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 नीचे आएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ये भी इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है इसके ऊपर दिख जाए आपको, नेक्स्ट 5 मिनट में ऊपर की तरफ दिख जाए आपको, पॉसिबल हो सकता है। वेट करें, केवल वेट करने में कुछ नहीं जाता, अगर तरीके से वेट करेंगे तो हमें मिल भी जाएगा, मेरे ख्याल से कोई इश्यू भी नहीं है वेट करने में, या है बताएं कैसा जी, नहीं वेट करने में इश्यू सर? एक क्वेश्चन है, जब जल्दी बात, हाँ जी बताएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मार्केट वर्सेस सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इस टाइम में शुड आई वेट फॉर रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर सेल करना चाहिए या बाय ले सकते हैं? नहीं, आप देखो इसके अगर मैं टाइम, मैं जगह कौन सी बता रहा हूँ, 61 लेवल ना। यस सर, 61 लेवल।
अगर 61 लेवल पे मार्केट रुक जाएगा तो उसके बाद आप यहां से बाय आराम से कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को वहां पर रुकना चाहिए और मार्केट अपना बेस बना के ऊपर जाएगा। आप देख रहे हैं मार्केट ना, ये देखो बेस बना रहा है, देख रहे हैं ये वाला सारा बेस है, देख रहे मार्केट इस बेस के अगर ऊपर जाके बैठेगा दैट मींस बाय बनाएगा अपने यहां पर। अब वो कितनी बड़ी बाय होगी वो अलग बात है, लेकिन बाय इसका मतलब है बायर पोजीशन इज स्ट्रॉन्गर। यस 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 एग्जैक्टली। देखो बायर इसके नीचे नहीं जाने दे रहे ना मार्केट को, देख रहे और कैसे पता लगेगा कि बायर और स्ट्रांग हो गए तो मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, और ये 20 का मूविंग एवरेज है, दैट मींस 20 का मूविंग एवरेज कौन सा होता है, मंथ का, ये पूरा मंथ के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। वेट करना है, हमें नहीं पता क्या करेगा मार्केट, हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। अब वेट करना है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा या इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको बोल रहा है कि मार्केट में चूंकि पास में है बिल्कुल, तो इसको इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ये बोल रहा है मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज होता दूर, अगर ये दूर होता तो मैं बोलता नहीं ये मार्केट 100% गिरेगा, पर चूंकि मूविंग एवरेज पास में है तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही आ जाए। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो अभी स्ट्रांग नहीं है ना उतना, देखें बैंक निफ्टी देखो दूर है कि नहीं है बताएं, मूविंग एवरेज बताएं, काफी दिख रहा है दूर, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है बताएं, निफ्टी का मूविंग एवरेज बताएं क्या दूर है या पास है बताएं। यस पास में, अब आपको वेट करना है कि मार्केट जो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, बस ये वेट करना है मेरे को। और ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को मेरे को वेट करना है मार्केट क्या इसके ऊपर आता है या नहीं आता, ये लेवल। अगर मार्केट उसके ऊपर आया तो मार्केट मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ जाएगा, वहां से मार्केट कोई सपोर्ट पकड़ सकता है, हमें वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या, बस वेट एंड वॉच। ठीक है, इसके नीचे गया मार्केट, नीचे कोई कैंडल क्लोज की, आप अपनी सेलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बड़ी सेलिंग मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मूविंग एवरेज पास नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर ले वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखें करते रहे वेट करते रहे, मार्केट का ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक नहीं होगा तो आपके लिए फायदा होगा। आप चाहो तो यहाँ पर अपना फिबोनैकी लगा के भी देख सकते हो, कई लोग यहाँ पर फिबोनैकी लगा के देखते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर फिबोनैकी लगा के देख लो कि मार्केट क्या कर रहा है। यस देख सकते हैं कि भाई ये अगर मैंने ये ऊपर हाई लगाया तो इसका कौन से परसेंट पे मार्केट को आना चाहिए। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, जब मार्केट अपना लो बनाता है तो उस टाइम पर मार्केट अपने 50-61% से भी नीचे आके कभी कभी लो के पास से वापस जाता है, ये भी ध्यान रखना, जिससे मार्केट में डब्लू फॉर्म होता है। ये देखो आपका ऐसे मैं दिखा देता हूं, ये देखिए मार्केट ऐसे आएगा एक ये डाउन तक आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये डब्लू फॉर्म हो जाता है, इसके ऊपर आप बाय करते हो तो आपकी बाय बनती है इसके ऊपर, राइट बाय उसके ऊपर बन जाती है फिर, तो ये डब्लू फॉर्म होगा। अब चूंकि दोनों को अगर ऊपर चलना है एक साथ, उस केस में आपका इसको भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तो हो सकता है ये दोनों वेट करे भी यहीं कहीं पर, दो चार कैंडल यहीं पर ही साइडवेज बना दे, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम यहां पर से सेलिंग के मोड में नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया कि हम लोग सेलिंग के मोड में नहीं है, और क्यों नहीं है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर किया, मूविंग एवरेज बिल्कुल पास में आ रखा है, ये सब प्राइस सेक्शन के पार्ट है जो कि आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको कोई बताएगा भी नहीं, सब लोग कई सारे इंडिकेटर गिना देंगे कि ये कर लो वो कर लो इस इंडिकेटर के पास में। आप देखो मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूं अलग से, देखते मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने इंडिकेटर दिख रहे हैं आपको बताएं, यस प्लीज बताएं कितने इंडिकेटर दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताएं, मूविंग एवरेज लगा रखे चार बस, फिबोनैकी है, इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इन्हीं के ऊपर आप अपनी बाय से उठा सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब बताएं अगर मार्केट यहां से इसके ऊपर निकल गया, मैंने बोला कोई कैंडल अभी कितने तो 25, अगली कैंडल कहां बननी चाहिए बताएं, 24 हो रहे हैं, एक मिनट बाद कैंडल कहां खुलनी चाहिए बताएं, खुलेगी नहीं खुलेगी वो अलग बात है, लेकिन खुलनी कहां चाहिए इसके ऊपर ना। यस सर, मूविंग एवरेज के ऊपर खुलनी चाहिए,
जाएगा तो है ना, अगर उसको बाय में जाना है तो, और अगर उसके ऊपर खुल गई, इसका मतलब ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा फिर। इस बात को चेक करना, केवल वेट कर रहे हैं, मार्केट करेगा क्या, केवल वेट एंड वॉच। देखते रहे, वेट करते रहे। ये देखिए वेट करना है और आराम से वेट करके देखते जाना है मार्केट करेगा क्या। बस देखते रहे मार्केट को और आराम से अपना ट्रेडिंग करते रहे। अगर मार्केट ने 61% से बाय पकड़ लिया तो जहां तक मार्केट आज गिरा है वहां से अपने ओपन तक का रूट तय कर सकता है। ये भी एक लॉजिक है छोटा सा। तो मार्केट अपने ओपन तक का रूट तय करेगा। देखिए चल रहा है मार्केट धीरे धीरे, अभी गया नहीं है मार्केट, धीरे 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 चल रहा है। अब कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा वो सब अलग बातें हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल या नहीं बताए। हाँ ये मैम, नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए बताए। बाय के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम वेट कर रहे हैं। देखो सब लोग सेलिंग में थे और मैं आपको मना कर रहा हूं आज, मेरे ख्याल से जब से क्लास हुई मैं तब से मना कर रहा हूं ना आपको, यस और नो, तब से मैं बोल रहा हूं कि हम सेलिंग के मूड में भी नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्यों सेलिंग के मूड में नहीं है? यस, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है हम सेलिंग के मूड में क्यों नहीं थे, क्योंकि मार्केट एक अपने 61% पर बैठा हुआ है और मार्केट वहां से एक रिजेक्शन दे सकता था, रिट्रेसमेंट करके वापस जा सकता था मार्केट, इसलिए हम सेलिंग के मूड में नहीं थे। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखते हैं अभी क्या होगा, मैं केवल आपको ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूं, केवल लॉजिक बता रहा हूं। ये देखो मार्केट अब इसके ऊपर आया है और अभी मार्केट अगर 61 के ऊपर बैठ गया तो अब क्या होगा बताए। अगर मार्केट ने एक कैंडल 61 के ऊपर क्लोज कर दी, अब मार्केट का चूंकि यहां से टारगेट एक क्लोजिंग होने दीजिए इस कैंडल को, और यहां से जाएगा तो मार्केट का पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है, राइट। दो टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं अगर मार्केट यहां पर जाके बैठेगा तो। इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए कैंडल को, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है। देखो अभी डिस्टेंस यहां पर बची हुई है, ये डिस्टेंस की वजह से मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी अपने इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना, तो निफ्टी सपोर्ट ले लेगा ना, समझे, निफ्टी सपोर्ट ले लेगा उस केस में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट धीरे धीरे मिलेगा, हो सकता है एक डेढ़ घंटे बाद मिले आपको सपोर्ट इसका, एकदम से ना मिले सपोर्ट, ये पॉसिबल हो सकता है। देख रहे हैं, ये देखिए चल रहा है मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, वेट एंड वॉच में चलेगा सारा। आराम से बैठे वेट करें मार्केट करता क्या है। केवल मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं ट्रेड करना बता रहा हूं, देखिए आपको कि मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे ट्रेड होगा। चला नहीं है मार्केट अभी, अभी वेट कर रहा है मार्केट, यहां पर वेट कर रहा है। अगर मार्केट ने रुका और सही तरीके से चला तो एक बड़ा मार्केट डाउन आप देखिए आपको चला जाएगा। देखते हैं, वेट वेट एंड वॉच बस। मूवमेंट मार्केट का बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा मार्केट का मूवमेंट मिल सकता है आपको, बस वेट करना है, वेट करने का है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला तो कम से कम ओपन तक, और ओपन कहां पर है इसका ये चेक कर ले, ओपन कहां पर है आज ये है, तो मतलब 50% तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो। बस वेट कीजिए, इसके ऊपर रुक जाए मार्केट। हाँ जी, वर्ल्ड मार्केट तो बहुत डाउन है तो उसके अगेंस्ट जा सकती है इंडिया मार्केट क्या? मैं तो बिल्कुल क्यों नहीं जाता, रिट्रेसमेंट तो कर ही सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता रिट्रेसमेंट, पता है रिट्रेसमेंट तो हो ही सकता है ना, रिट्रेसमेंट तो हर मार्केट में होता है,
क्या ऐसा, देखो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, मार्केट ऐसा कर सकता है ना, इस पॉइंट पे यहां से जाके तब नीचे गिरे, तो यहां तक का तो एक टारगेट ले ही सकता है मार्केट। यस सर, ओपन तक ही हम ही बोल रहे हैं, और हम तो चार्ट से बात कर रहे हैं, हम तो चार्ट से बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ल्ड मार्केट का चार्ट भी नहीं लगाया, मैंने बताया कुछ नहीं देखा ना, मैं केवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या, और चूंकि 61 लेवल है तो उस टाइम पर हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, और मार्केट यहां पर साइन नहीं दे रहा सेलिंग के, कि बड़ी सेलिंग कोई दे रहा हो ऐसा मेरे को कोई मार्केट साइन नहीं दे रहा है, तो हमें रुक जाना थोड़ा सा बेहतर है। देखें वर्ल्ड मार्केट को यहां पर देख ले, गूगल पे लिखे यहां पर कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, यहां पर वर्ल्ड मार्केट लिख दें, देखना है आप यहां पर देख लो, ये देखो मनी कंट्रोल पे जाओ, यहां पर देख लो वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, आने दीजिए इसको, ये देखिए पूरा मार्केट, देखो पूरा मार्केट रेड है, पूरा मार्केट रेड है, फिर भी हम बाय के लिए ढूंढ रहे हैं, देखो सिंगापुर निफ्टी भी डाउन है पूरा, फिर भी हम देखो आराम से बाय ढूंढ रहे हैं, समझिए, ठीक है, पॉइंट चेक करता है, ये जगह है आपके पास, जगह है, मार्केट अगर और भी नीचे आया, मैं मान भी लूं मार्केट नीचे आया, वैसे थोड़ा वेट करिए आराम से, जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक ना करे तब तक नहीं, ठीक है, ये लो आपका मार्केट, क्योंकि मार्केट अपना सपोर्ट बना रहा है, अभी बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज दूर है, निफ्टी का मूविंग एवरेज इसके पास में है, तो थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए बेहतर होगा, राइट है, वो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम वेट ही कर ले थोड़ा सा, तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं आराम से, ट्रेड करने में कोई इशू नहीं है, बस केवल सोच समझ के ट्रेड करें, जबरदस्ती ट्रेड मत करें, सोच समझ के ट्रेड करेंगे आपको कहीं ना कहीं मार्केट फायदा दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका देखो मूविंग एवरेज के पास में मार्केट है, इस कैंडल को मेरे को क्लोज होने देना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट में कैंडल कहां क्लोज हो रही है, कौन सी क्लोज हो रही है कैंडल, अगर इसके ऊपर अभी क्लोज करेगी, और मार्केट मैंने बोला 61 के ऊपर ये लेवल है, अभी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, अगर कोई भी कैंडल इसके मूविंग एवरेज के ऊपर यहां क्लोज करेगी तो मार्केट आपको एक मूवमेंट दे सकता है यहां तक का, भले वर्ल्ड मार्केट अगेंस्ट में तब भी आपको ये मूवमेंट देगा, तब भी आप इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट है, चलिए मैं रुकता हूं क्लास में यहां पर, फिर मिलते हैं हम लोग, आराम से देखते रहिए आपका, क्योंकि 61 लेवल है क्रूशियल लेवल है, अभी भी बोल रहा हूं इस लेवल को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, और जब सही मोमेंट मिले तभी आप अपना ट्रेड डालें, उससे पहले ट्रेड मत डालें, क्लियर है, चलिए मैं रोकता हूं, ये मैं केवल इसलिए करता हूं कि आप लोग सीख सके आराम से, आप लोग लेवल्स को पहचान